सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू टॉपिक, जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे करेंगे। ये हम लोग का टैक्सेशन का दूसरा क्लास है, बट समझिए आपके एग्जाम के लिए तो ये पहला क्लास है। ये टैक्सेशन वन का हम लोग का दूसरा क्लास है, डे टू। वीडियो के हिसाब से तो ये दूसरा क्लास है, बट आपके एग्जाम के पर्पज से देखिए तो ये पहला क्लास है। तो पहला क्लास में जो भी टीचर्स हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड कमिट एक ही एक्टर टॉपिक था, बट आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। 23-24 तो कॉन्सेप्ट आपको अभी हम समझाएंगे आज, और वो सारा कॉन्सेप्ट में से आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थ्योरी बात समझ रहे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बिना टैक्स नहीं बना सकते। डायरेक्ट आप सम्स बनाने लगेंगे तो ये सारे सवाल आपके मन को परेशान करेगा। देयर आर वेरियस टेक्निकल वर्ड्स इन द टैक्सेशन, टैक्सेशन के दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द है जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप टैक्स नहीं पढ़ पाएंगे, और ये एग्जाम में भी आते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो लोग फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा एग्जाम बेस्ड टॉपिक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको मैंने आपको बोला था कि वो एग्जाम बेस्ड नहीं था, लेकिन आज वाला पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोचिंग का बुक का पीडीएफ आप लोग सभी के पास है, वो पीडीएफ निकाल लीजिए। वो अभी हम लोग का फाइनल पीडीएफ नहीं है, बट अभी जो पढ़ रहे हो उसमें है, निकालिए। रेडी गाइस, पीडीएफ आज कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, एक वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा कॉपी में, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा भाई, सिर्फ पीडीएफ निकाल लो। टैक्स का बात समझे ना, टैक्स का कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको। रेडी, सम्स जब बनाएंगे तब लिखेंगे, और कुछ कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपको मोन लैंग्वेज में लिखवा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, टॉपिक को स्टार्ट करते गाइस। देखिए टैक्सेशन वन डे टू, ध्यान से सुनिएगा, बात नहीं, पीडीएफ भेजा हुआ है आज सुबह में भी, तो ग्रुप में भेजे थे, जो लोग सुबह तक ऐड होंगे सबको तो भेजा हुआ है, अगर नहीं है तो शेयर कर लीजिए, क्लास के बाद भेज देंगे, तो क्लास के बीच में तो आप नहीं भेजेंगे। रेडी गाइस, सो भाइयों और बहनों देखिए स्टार्ट करते टॉपिक को। सबसे पहले देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा दिए थे, फोन रखे हो क्लास में, पहला कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा दिए थे। आज मेन टॉपिक है, आज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स का डेफिनेशन, आज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टैक्स का डेफिनेशन। टैक्स के बहुत सारे वर्ड्स, जब आप कॉलेज में भी जाएंगे ये सारे वर्ड्स, चैप्टर कोई भी पढ़ाए हो टॉपिक तो ये वाला रहेगा ही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या, देखिए द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन इज, सबसे पहले टैक्स के दुनिया में पर्सन किसे कहते हैं। टैक्स के दुनिया में सबसे पहले हम लोग पर्सन का डेफिनेशन पढ़ने आए, ध्यान से सुनिएगा। आज वाला पूरा वीडियो आप देखेंगे तो 5 मार्क्स आप कम से कम कवर कर लेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से एक तो थ्योरी आएगा ही आएगा एग्जाम में, नहीं आने कोई बात ही नहीं। पर्सन क्या होता है, हु इज पर्सन, बोलेगा आपको डिफाइन पर्सन, पर्सन कौन है। तो हम लोग आप लोग के लिए पर्सन मतलब एक आदमी होता है, एक इंसान होता है, बट टैक्स में, ध्यान से सुनना बाबू, किसमें, टैक्स में, टैक्स में पर्सन का मतलब होता है 7 कैटेगरी, कितना कैटेगरी बताइए, 7। तो देयर आर 7 कैटेगरीज हु कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन के डेफिनेशन में 7 टाइप के चीजों को रखा गया है, 7 टाइप। अब वो 7 टाइप क्या है, एक एक करके बता रहे, सुनिए, बुक होगा आपके सामने, देखिए। तो सबसे पहले तो पर्सन का डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 231 में दिया हुआ है। अब सेक्शन दिया हुआ है, अब देखिए वहां पे एकदम सुंदर से नोट, 4 मार्क्स में पूछेगा, पूरा चिपका दीजिएगा यहां से भाई। पर्सन में कौन कौन 7 लोग आते हैं सुन लो। पहला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हमारे आपके ऐसे लोग, सॉरी अच्छे अच्छे लोग, इंडिविजुअल। हम लोग आप लोग को टैक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। मिस्टर राहुल किसका एग्जांपल हो गया, इंडिविजुअल। गोपी, इंडिविजुअल। पुष्पा, इंडिविजुअल। पसंद है ना, राधा, इंडिविजुअल। ये सारे लोग किस कैटेगरी में जाएंगे बाबू, इंडिविजुअल। पर्सन के अंदर पर्सन का डेफिनेशन में कितने लोगों को रखा गया, 7। बोर्ड में कुछ देखना नहीं, बोर्ड में कुछ नहीं लिखेंगे, बोर्ड में सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट करने के लिए लिख रहे, बोर्ड में और कुछ नहीं है, बस जो है सब नोट्स में ही है, सिर्फ सुनिए ध्यान से समझिए। बोर्ड में बस आपको फोकस करने के लिए एक जगह फोकस रखेंगे, इसलिए आपको रखा गया। भाइयों और बहनों पर्सन है 7 कैटेगरी। पहला पर्सन, फोन रखिए बाबू, फोन रखिए क्लास में, पर्सन। देखिए फोन क्या हुआ, फोन आया क्लास में, उठा के बोल दे कि हाँ क्लास में, आप तो पूरा बात करने लग जाते हैं पूरा। देखिए पहला कैटेगरी में कौन आ गया, पर्सन। पर्सन में पहला कैटेगरी कौन है बताइए, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन, हम लोग आप लोग, हम लोग आप लोग को टैक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। आप क्या हो, हम क्या है, वो क्या है, आपके वो कौन है, उनका वो कौन है, सब कौन है, इंडिविजुअल। हम जो अगर इसको बहुत ही लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज समझाए, ऑल नेचुरल पर्संस आर इंडिविजुअल। सर नेचुरल पर्सन, हर वो लोग जिसके अंदर फ्लेश एंड ब्लड हो, खून और मांस। असर कैसे समझेंगे, नेचुरल है कि नहीं है, सुई भूख के देखिए अपना दोस्त को, अगर आपका दोस्त छटपटाने लग गया मतलब नेचुरल है, और नहीं छटपटा रहा मतलब आर्टिफिशियल है।
क्या बताइए, आर्टिफिशियल। इस घर में ट्राई मत करिएगा। तो नेचुरल पर्सन मतलब क्या? अच्छा हम बता रहे, बताइए आपको एग्जाम में ना 6-7 तो नाम दे देगा, आपको बोलेगा कैटेगराइज करो, तो सातों कैटेगरी का मीनिंग बता रहे हैं। अच्छे पहला कौन बताइए? इंडिया। इंडिया मतलब कौन? आप और हम और आप और हम और आप और हम और, समझ गया ना, भूल नहीं पाओगे। दूसरा सेम फाइव में भी टैक्स आएगा, जीवन में जहां जहां जाओगे कॉमर्स के फील्ड में टैक्स आएगा, टैक्स को जानना बहुत जरूरी। और आज का क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो पूरा टैक्स ही उसको समझ नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। दूसरा कैटेगरी में कौन किसको रखा गया भाई, बोलिए नाम क्या है उसका? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा हिंदू परिवार, कैमरा चल रहा ना बाबू, हम दिख रहे ना, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा नहीं हुआ। अब इसमें इंटरेस्टिंग है, समझिए, तो अगर आप लोगों को इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको HUF में नहीं रखा गया, इंटरेस्टिंग। अगर कोई जैनिज्म है आप लोगों में, कोई अगर जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, अब यहां पे समझिए, देखिए जैन हिंदू अलग, दोनों अलग चीज है, जैन धर्म अलग धर्म है, हिंदू धर्म अलग धर्म है, इस्लाम रिलीजन अलग रिलीजन है, तो इस्लाम रिलीजन को इसमें एक्सक्लूड किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैन और आप लोग अगर कोई सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जैन और सिख आप लोग, हम लोग के कैटेगरी में आप लोग को HUF में रखा गया, आप लोग को HUF की कैटेगरी में रखा गया, याद रखिएगा, जैन और सिख इंक्लूडेड बट इस्लाम रिलीजन एक्सक्लूडेड, याद रखिएगा। तो HUF में, अच्छा अगर आप इस्लाम धर्म से हो तो आपको इंडिविजुअल के कैटेगरी में ही रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू परिवार, ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा मतलब प्रॉपर्टी में होता ना, जैसे परिवार में पिताजी का प्रॉपर्टी बेटा बेटा में बांट देते हैं, तो अगर आपके बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ है, पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी का जो बिजनेस था वही चलते आ रहा चलते आ रहा चलते आ रहा चलते आ रहा, तो ये क्या हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब इट इज अ हिंदू फैमिली विच हैज नॉट बीन डिवाइडेड, अभी जिसमें पार्टीशन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बट नहीं गए हो, उस हिंदू परिवार को HUF बोलते हैं। क्लियर है गाइस? तो मैं जैसे एग्जांपल, जैसे आप लोग में से आकाश, आकाश बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, अब आकाश का एग्जांपल दे रहे, आकाश शर्मा एंड हिज 12 चिल्ड्रन, आकाश शर्मा उसके 12 बच्चे, ये किसका एग्जांपल हुआ बताइए? HUF, किसका एग्जांपल हुआ? HUF, समझ गए ना, आकाश शर्मा एंड उनके 12 बच्चे किस कैटेगरी में जाएंगे? HUF, समझ गए? दो कैटेगरी समझ गए ना, तीसरा कैटेगरी क्या बाबू, बात नहीं, कंपनी तो समझते, उसमें समझाने का दरकार ही नहीं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को भी पर्सन माना गया, लॉ में भी इसको पर्सन माना गया, कंपनी एक पर्सन है, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, फिर आपका अंबानी क्या नाम इसका, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, सब कंपनी हो गया भाई, कंपनी जो भी है सब किसमें चल जाएगा, कंपनी, इसमें कुछ समझाने लायक यूनिक तो नहीं है। कंपनी का अगला कैटेगरी बोलो फर्म, क्या बाबू फर्म मतलब कौन? पार्टनरशिप बिजनेस, आपको याद है सेम टू में क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, पार्टनर्स लोगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फर्म, आप और हम मिलके एक फर्म बना लिए, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को भी किस कैटेगरी में रखा गया बताइए? पर्सन के कैटेगरी में फर्म भी एक कैटेगरी हो गया, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, फर्म मतलब कौन सा बिजनेस बाबू? पार्टनरशिप, जैसे आप लोग चार दोस्त, चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चारों दोस्त मिल करके, सर मैं तो चारों दोस्त का दुख खतरनाक है, चार दोस्त मिल करके एक तो बिजनेस स्टार्ट किए, पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म का टैक्स लाइबिलिटी अलग होता है, सेम फाइव में फर्म का टैक्स निकालना सिखाया जाएगा, उस कितना कैटेगरी हो गया बताइए? पांच, चार कैटेगरी पढ़ा दिया, पांचवा कैटेगरी क्या बोलो? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, भाइयों बहनों एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों समझिए तो एक ही माना गया, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है? दो दो क्लब मिला के एक तो क्लब बना दिया, जहां पे चार पांच क्लब के लोग मिलके वहां पे मेंबर है, चार पांच ऑफिस मिला करके एक तो ऑफिस बना दिया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, तो इट मे बी पर्सन, इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी कंपनी, इट मे बी फर्म, एनीवन, तो पर्सन इज द कलेक्शन ऑफ क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाए, एक संगठन जिसको बोलते हैं, ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों को ना एक ही कैटेगरी में रखा गया, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंसान ही मेंबर बनता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई कंपनी भी मेंबर बन सकता है, कोई फर्म कॉर्पोरेट फर्म भी मेंबर बन सकता है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंसान ही मेंबर बनते हैं। एग्जांपल आपको देंगे, जैसे भाई भाई सोंगो क्लब का नाम ऐसे ही होता है ना बंगाल में, भाई भाई सोंगो, ब्लू स्टार क्लब, ये सब क्लब जो है ना, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सा? रेड स्टार, अच्छा आकाश बोला सेवन स्टार क्लब, कौन सा क्लब? सेवन स्टार क्लब। तो जितना भी क्लब है
ये सारा किस कैटेगरी में जाएगा बताइए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझ रहे हो ना। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या समझे, अगर कोई पूछ दिया आपसे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एनीवन कैन बी द मेंबर, इट मे बी फर्म, इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी एचयूएफ, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी द मेंबर। आई होप आप समझ गए होंगे, यस नो गाइस। छह कैटेगरी हो गई, सबका एग्जांपल देंगे, आप चिंता मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों लोकल गवर्नमेंट। सरकार तीन तरह का होता है टैक्स की दुनिया में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कौन, बंगाल में अगर रहते होते समझना बहुत इजी है, दीदी इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दादा इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर दादा मोदी जी, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट, ममता दीदी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सर यहाँ पे तो लोकल अथॉरिटी लिखा हुआ है। लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट। अगर आप लोग में जो लोग सिटीज में रहते हो, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो लोग कोलकाता से हो आप लोग का KMC लोकल गवर्नमेंट का नाम है, याद रखिए। जो लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हो ऑनलाइन वालों, आप लोग का हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो लोग मान लीजिए देश ग्राम से हो, आप लोग में बहुत सारे बच्चे हैं जो तो ग्रामीण एरिया से हो, तो उन लोग का ग्राम पंचायत, मुखिया जी, मुखिया जी, गांव में मुखिया बोलते लोग और यहाँ पे प्रधान बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में जो ग्रामीण एरिया है ना, गांव एरिया में, वहाँ पे प्रधान होता, प्रधान क्या होता है वो प्रधान। तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का तो गांव देहात है, तो जिन लोग का गांव देहात से बिलोंग करते हो आप लोग का जो है वहाँ पे ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत। कोलकाता में मुखिया शब्द लोग बहुत कम यूज करते हैं, यहाँ पे ग्राम प्रधान बोलो बंगाली में बोलते हैं। जो लोग होंगे मेरा बात से आप एग्री करेंगे, वो आपका लोकल गवर्नमेंट है। कौन सा गवर्नमेंट है, लोकल, कोलकाता का कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको यहाँ पे भी सिंपल है, सर हम कैसे जानेंगे हम गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, अपना चारों तरफ नजर घुरा के देखिएगा, चारों तरफ नजर घुरा के देखिएगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, मतलब वो गांव है, सिंपल मतलब क्या बाबू गांव है। चारों तरफ नजर घुरा के देखिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब क्या बाबू गांव है। और अगर आपका गांव में, अगर आपका गांव में गांव का जो हेड है उसको उसको मुखिया बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, तो यू बिलोंग टू द रूरल एरिया, आप रूरल एरिया में हो। अगर आपका गांव में मुखिया को मुखिया नहीं बोल के काउंसिलर बोलते हैं, कोलकाता में काउंसिलर बोलते हैं हम लोग, ये म्युनिसिपलिटी। गॉट इट गाइस, आई होप आप समझ गएंगे। तो ये सब कौन सा गवर्नमेंट है बताइए, लोकल। आज जो भी सीख रहे हो वो नॉलेज बेस है, जो भी सीख रहे हो वो एग्जाम बेस भी है, तो ये दोनों नॉलेज एग्जाम दोनों का मिक्सचर है। आज वाला टॉपिक अगर नहीं करेंगे तो जीवन में हम लोग को सुख समृद्धि का प्राप्ति नहीं होगा। तो जीवन में जो खुशियां हैं आपको वो आज का बाद पढ़ाई करने के बाद ही प्राप्त होगा, ठीक है। एक अलग सा एहसास आपको होगा बाहर निकलने के बाद। कितना पॉइंट हो गया बताइए, छः। लास्ट कैटेगरी, वाह इतना अच्छा पढ़े कि समझ ही नहीं आया। वो इंग्लिश में एक तो लाइन है, समझे ना, यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक, इसका मतलब होता है आप इतने खूबसूरत है कि आपको देख ही नहीं सकते, मतलब खूबसूरत नहीं। यहाँ पे आप लोग इतना अच्छा पढ़ लो, मुझे समझ ही नहीं आया क्या पढ़ क्या पढ़े। सातवां कैटेगरी बताओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसमें ना कंफ्यूज आते बच्चे लोग। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब इसको दो तीन तरह से समझिए, जो ऊपर वाला छह कैटेगरी में जो नहीं आएगा वो सातवां कैटेगरी में आएगा, ऊपर वाला छह कैटेगरी में जो नहीं है वो कौन सा कैटेगरी में, सेवन। और इसको आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज द आर्टिफिशियल पर्सन स्टार्टेड बाय द स्टैट्यूट। ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है लेकिन ये लॉ से बनता है, लॉ में इसको बनाया जाता है, लॉ इसके लिए स्पेशल लॉ बनता है, इसीलिए इसको बोला गया है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर एग्जांपल दीजिए ना प्लीज, कैसा कैसा लग रहा है, एग्जांपल दीजिए। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का बेस्ट एग्जांपल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, स्कूल बोलना गलत होगा, कॉलेज आप देखिए, बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, पूछिएगा एग्जाम्पल देगा कौन सा कैटेगरी में जाएगा बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कौन सा कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बर्दवान यूनिवर्सिटी कौन सा कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जादवपुर यूनिवर्सिटी कौन सा कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। वेस्ट बंगाल बोर्ड कौन सा कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। CBSE बोर्ड कौन सा कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ओवरली आपको बदस्ट एग्जाम्पल दे रहे, बात समझे ना। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लोग लॉयर लोग का होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब जो ऊपर वाला छह कैटेगरी में नहीं है वो सातवां कैटेगरी में। और सिंपल समझिए ना, स्पेसिफिक लॉ से जो बनता है वो लोग को आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में रखा गया। अब ये बात बुक में मैंने पढ़ा, अब यही बात को ब्रेक कर करके आपको समझाते हैं, मेरे बुक में दिया हुआ ब्रेक कर करके, आइए एक बार पढ़ते हैं आपके लिए। इंडिविजुअल मतलब देखिए लिखा हुआ था, व्हाट इंडिविजुअल मींस अ नेचुरल पर्सन, लिखा हुआ ना बाबू, एक बार रफली रीडिंग मार दे रहे, एग्जाम्पल दिया हुआ, राहुल, गोपी, सीता, पुष्पा, बबलू, कुछ भी लिख दो ना नाम, क्या फर्क पड़ता, आप अपना उनका नाम लिख दीजिए ना, किनका नाम, उनका नहीं है, ओके बना लीजिए। अगला एचयूएफ, एचयूएफ समझा दिया, तो देखो एक बार पढ़ देते हैं।
अंडर इनकम टैक्स एक्ट हिंदू फैमिली इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लिनियली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एक ही माता पिता के जो पुत्र पुत्री होंगे बेटा बेटी बेटा और इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स उनका वाइफ्स अनमैरिड डॉटर्स एंड ऑल्सो स्ट्रेंजर हु हैज बीन एडॉप्टेड एज अ फैमिली सपोज आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो वो भी आपके परिवार का हिस्सा माना जाएगा उसको भी प्रॉपर्टी चाहिए पगला Only those undivided families are covered here to which Hindu law applies. जो आपको हम बोले वही लिखा हुआ इंग्लिश में देखिए ना इट ऑल्सो इंक्लूड जैन एंड सिख फैमिली लिखे बोले थे ना मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी ट्रीटेड एज HUF अगर आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका परिवार में भी बंटवारा नहीं हुआ तो आप HUF के कैटेगरी में नहीं आओगे समझ गया एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे कंपनी समझाने का दरकारी नहीं है डिटेल में लिखा हुआ सब फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस यस नो गाइस एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक पर्सन जा देते हैं टू और मोर पर्सन ज्वाइन इन फॉर अ कॉमन पर्पस स्टार्टिंग में ही बोले दो आदमी मिलके एक कॉमन पर्पस के लिए ग्रुप बना लिया संगठन संगठन जिसको बोलते हैं संगठन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप वही होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कॉमन प्रॉफिट कॉमन बेनिफिट इट मे बी HUF कंपनी फर्म कोई भी मेंबर बन सकता है इसका एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल इंडिया बैंक यूनियन में सारा बैंक वाला लोग मिला के बना होगा ना तो संगठन जो होता है ना इसको संगठन बोलते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक ही कैटेगरी है बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है फर्म भी मेंबर बन सकता है कंपनी भी मेंबर बन सकता है लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ आप मेंबर बनोगे आप कौन बनोगे आप लोग जैसे नेचुरल अच्छे अच्छे लोग देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिनोट द स्टेटस ऑफ पर्सन हु आर एसेसिबल in like manner and to the same extent as a beneficiary individual only individual can be the member individual joined together for common purpose example co-donors club was a club love jo bataya tha aapko ek sath matlab jahan pe sirf body of individual members honge do char log mil karke kisi gareeb ko daan kar rahe hain help kar rahe hain matlab ye sab kya ho gaya ye sab kiska example ho gaya body of individual to samajh gaya na association of person ya and body of individual mein kya aata hai club सोसाइटी यूनियन ये सब किस में आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्लियर है गाइस दोनों का डिफरेंस दिया होता है कि ना डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोई बच्चा ही बता ना बैंक ऑफ इंडिया नहीं मार खा जाओगे बीओआई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों में फर्क क्या हम तो बता दिया आपको डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एनी पर्सन कैन बी द मेंबर बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ कौन मेंबर बनेगा इंडिविजुअल यस नो गाइस हम पूछेंगे अभी अच्छा लोकल अथॉरिटी अभी तो पढ़ा है देखो अ लोकल अथॉरिटी मीन्स म्युनिसिपल कमिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ कोर्ट कमीशन पंचायत ज्ञान लिखा हुआ है समझ आ रही है तो एक बार में एग्जाम्पल KMC यहाँ पे दिया हो KMC HMC ग्राम पंचायत कितना सारा तो एग्जाम्पल पहले ही दे दिया आपको बस जो फिर से डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन पढ़ा है ना जो ऊपर में से किसी भी कैटेगरी में नहीं है वो लोग आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन है इसको रीडिंग मार लेना वही सब लिखा हुआ है अच्छा तो हम आपसे पूछते बताओ 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको तब से 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जल्दी बताइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको बताना है कि वो कौन से कैटेगरी में जाएगा एक बार हम समराइज कर देते जल्दी बताइए पर्सन के डेफिनेशन में कितना कैटेगरी है पर्सन का सेक्शन क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन एंड पर्सन के डेफिनेशन में कितना कैटेगरीज है 7 कैटेगरी कितना कैटेगरी 7 हम पूछते हैं आप बताना आराम से यार पूजा क्या कर रहे हो पूरा बोल यही चेंज कर दे रहे हो देखिए ठीक है चलिए आ रहा है कैमरा में आज पूरा थर्ड ग्रेड डिस्कशन है तो बोर्ड का दरकार ही नहीं है अच्छा बताइए हम आपसे पूछते हैं मिस्टर राहुल कहाँ जाएगा कोई मोबाइल में मत देखना कसम है आपको उनका मोहब्बत का बाहर जाओगे देखो ब्रेकअप का मैसेज आ गया नहीं है अच्छा ठीक तो और दुख का बात नहीं है तो नहीं होगा नहीं है तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे ठीक से तो नहीं होगा फिर आगे नेताजी सोंगो कहाँ जाएगा बताइए कौन सा कैटेगरी में नेताजी सोंगो बंगला में सोंगो का मतलब क्या था क्लब नेताजी सोंगो कहाँ जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों कैटेगरी बॉडी एक्चुअली पर्सन का है ना बहुत सारे लोग मिला करके क्लब बनेगा नेताजी सोंगो उसमें तो मेंबर कौन होगा हमारे आपके से लोग होंगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल गॉट इट गाइस एग्जाम में ना ऐसे 6-7 को एग्जाम्पल आपको दे देगा बोले कैटेगराइज करिए ऐसा क्वेश्चन ऑनर्स है जिन्हें दोनों में से किसी ना किसी ने देता ही है आपको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा और टैक्स पूरा मत समझिए आपका 25-30 मार्क्स लगभग थ्योरी आ जाएगा आपके एग्जाम में देखिए
तो जिसका थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट वीक है ना, टैक्स आपको बहुत हार्ड लगे, बाप रे टैक्स को तो हार्ड सब्जेक्ट है। और जब आप, अगर आपका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो टैक्स आपको सबसे पांती और इजी सब्जेक्ट लगेगा। कैसा लगेगा? पांती। इस ए मां। अच्छा मिस्टर आर और उसके पार्टनर, ये किस कैटेगरी में जाएगा? फर्म। बिना देखिए बोलना। अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कहाँ जाए? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कहाँ जाएगा? उसके बाद अच्छा विधाननगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो कोई भी मेंबर बन सकता है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों एक साथ ही बोलते हैं हम लोग, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो देखिए बार बार बोल रहे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक ही कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी आदमी मेंबर बन जाता है, एनी वन कैन बी द मेंबर, इट मे बी फर्म, इट मे बी कंपनी, इट मे बी एनी वन, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंसान ही मेंबर बने। बोलो हाँ कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। LIC कंपनी का नाम है भाई, कौन से कैटेगरी में जाएगा? कंपनी, कंपनी कंपनी में जाएगा। उसके बाद मिस्टर आकाश एंड हिज 15 चिल्ड्रेन कहाँ जाएगा? HUF। आकाश से दुश्मनी है भाई, आकाश का नाम जिला दे रहे हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताइए, मिस्टर राज, ओनली मिस्टर राज। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको डिस्कस करना दरकार नहीं। चलो अच्छा कुछ एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है, केसेस और स्टेटस डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लेना घर में आके। देखो हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव बैंक, अमिताभ बच्चन, जॉइंट फैमिली, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सब दिया हुआ है ना बाबू, पार्टनरशिप बिजनेस, ये सब पढ़ लीजिए घर में। अच्छा अभी बताइए हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ जाएगा? लोकल अथॉरिटी। वहां पे आंसर दिया हुआ, देखिए कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड कंपनी है, कंपनी। अमिताभ बच्चन क्या है? अमिताभ बच्चन कोई स्पेशल चीज है क्या? टैक्स की नजरों में, लॉ की नजरों में अमिताभ बच्चन क्या है? कॉमन आदमी, हमारे आपके तरह वो भी है, ओपी गोपी, ओपी और अमिताभ बच्चन कौन है? इंडिविजुअल है। कौन है? इंडिविजुअल है। अमिताभ बच्चन कौन है? इंडिविजुअल। तो अमिताभ बच्चन टैक्स की नजरों में अमिताभ बच्चन और आकाश शर्मा में फर्क है क्या? अमिताभ बच्चन आकाश शर्मा में फर्क है क्या? दोनों इंडिविजुअल ही है। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम श्रीमती राम देयर सन लव कुश HUF कैलकाटा यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। पूरा कंप्लीट नोट्स है गाइस, आप आराम से समझ जाओगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब क्या होता है बोलिए तो? जिसको एक आदमी स्टार्ट कर तो इंडिविजुअल ही हो गया। एंड पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट आर क्लियर गाइस, 12 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, समझ गए ना? अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। चलिए अगला है SSC, समझ गया पर्सन में कौन कौन रखा गया है? पर्सन अच्छे से समझ गए, तो पर्सन में 7 कैटेगरी है भाई, समझ गए ना? अब आते हैं अगला पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट है SSC। सर तो कॉपी निकाल ले क्या? नहीं, सिर्फ बोर्ड में ऐसे लिखता है आपको कॉन्सेंट्रेशन टालने के लिए। SSC कौन? SSC इज द पर्सन हु पेज द टैक्स इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में जो टैक्स दे रहा है या देने वाला है, दे रहा है देने वाला है, उसको बोलते हैं SSC। आप टैक्स दोगे ना तो टैक्स के लैंग्वेज में आपको, जैसे आकाश टैक्स दे रहा तो टैक्स के लैंग्वेज में आकाश को आकाश नहीं बोलेंगे, SSC क्या बोलेंगे? SSC। तो SSC इज द पर्सन हु पेज द टैक्स और बाय हुम टैक्स इज पेबल, सिंपल हो गया खत्म। SSC किसको बोलते, समझ गए? SSC बात नहीं, SSC कोई भी हो सकता है, जो आदमी टैक्स देता है या जिसके द्वारा टैक्स दिया जाएगा। द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स और बाय हुम टैक्स विल बी पेबल, जो आदमी टैक्स दे रहा है या जिसके साइड से टैक्स दिया जाएगा। तो SSC इज द पर्सन हु पेज द टैक्स, SSC उस आदमी को बोलते हैं जो आदमी टैक्स देता है। तो जो टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? SSC, या टैक्स देगा उस आदमी को क्या बोलेंगे? SSC। लैंग्वेज समझ गया ना? हु इज SSC? तो बट द पर्सन हु पेज द टैक्स, सिंपल। नेक्स्ट कौन से बोली, अगला क्वेश्चन कौन? हाँ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स में बार बार ये वर्ड आएगा गाइस। आप लोगों को पता होगा कि ईयर मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, राइट? ईयर मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और साल ना दो तरह के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है गाइस, ओवर या नहीं बाप, ओवर बकरे क्लास में पढ़ाई टाइम में मत बोलिए, बात करना मैं नंबर लीजिए, मैसेज करते रहिएगा। देखिए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल, कैलेंडर ईयर मतलब क्या? कैलेंडर ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जैन एंडिंग ऑन 31st दिसंबर।
बोलो हाँ कि नहीं। आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हो सबके घर में जो कैलेंडर होगा ना उसमें यही वाला डेट होगा, बोले हाँ कि नहीं। इसका टैक्स के ना दुनिया में कोई यूज नहीं है, इस कैलेंडर का टैक्स दुनिया में कोई यूज है नहीं। फाड़ दीजिए उसके तस्वीरों को जो है इसका, इसका कोई यूज नहीं है। टैक्स के लैंग्वेज में इसका कोई यूज, टैक्स के लैंग्वेज में यूज है, आपके जीवन में इसका यूज है, लेकिन टैक्स के दुनिया में जो है ये वाला जो ईयर है हम लोग का इसका कोई यूज है। टैक्स के हिसाब से ईयर क्या होता है, देखिए टैक्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है गाइस। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर, से सुनना है बोलना नहीं है, समझे? बोलेंगे कब, जब एग्जाम होगा 6 महीने बाद। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होगा इस साल का, और अगला साल का 31 मार्च को खत्म होगा, समझ गए ना? आप लोगों को समझाना बहुत इजी है ये सब कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू आप लोगों को सब पता है। कैलेंडर ईयर मतलब क्या बोली तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अरे आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हो सबके घर में, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हो अपना घर का कैलेंडर उठा के देखिए, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का जो टाइम है वो कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अगला साल का 31 मार्च को खत्म होगा, ये 12 मंथ्स को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे अगर साल शुरू हो रहा है, अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023, तो वो खत्म कब होगा बताइए? 31 मार्च 2024। तो इसको बोलेंगे कैसे? 23 24। टैक्स के लैंग्वेज में एक साल मतलब 2 साल, 23 और 24। यस सर नो गाइस? एक बार फिर से, अगर ईयर स्टार्ट हो रहा 1 अप्रैल 2015 में, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2016। इसको बोलेंगे कैसे? 15 16। लैंग्वेज समझ रहे हो? टैक्स का लैंग्वेज समझ रहे हो? एक बार लास्ट पूछ ले बताओ, फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर ईयर स्टार्ट हो रहा 1 अप्रैल 2018 से, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019। एंड हाउ विल यू रीड इट? 18 19। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यहाँ से निकलता है दो कॉन्सेप्ट, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें आप कमाए हो, असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप टैक्स दे रहे हो। तो देखिए आप खुद सोचिए, पहले कमाएंगे ना पहले टैक्स देंगे? प्लीज बोलो, कमाओगे ना टैक्स दोगे? पहले कमाएंगे फिर ना टैक्स देंगे जी? तो पहले प्रीवियस ईयर होगा, फिर कौन सा ईयर होगा? असेसमेंट ईयर। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर प्रीवियस ईयर 18 19 है, असेसमेंट ईयर क्या होगा? 19 20। बोलो लैंग्वेज समझे? तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप कमाते हो, असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप देते हो। प्रीवियस ईयर में कमाया, असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया। तो जिस साल में आप कमाते हैं उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में टैक्स दोगे वो असेसमेंट ईयर। क्लियर है गाइस? यही कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अच्छा पूछ रहे, इंग्लिश में बोलो, इफ प्रीवियस ईयर इज 21 22, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर 22 23? इफ प्रीवियस ईयर इज 15 16, असेसमेंट ईयर बोलो 16 17। इफ प्रीवियस ईयर इज 20 21, असेसमेंट ईयर 21 22। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगता होगा ये क्या है, तो यही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये समझ गए तो सब्जेक्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज समझे? जल्दी बताइए, जो टैक्स देता है उसको टैक्स में क्या बोलते हैं? एसएससी। सिर्फ टैक्स का बात होगा। और जिस साल में कमाते हो उस साल को प्रीवियस ईयर। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना सर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम। जिस साल में कमाते हैं उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? प्रीवियस। और जिस साल में दोगे, जिस साल में दोगे, तो पहले कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस के असेसमेंट। समझ गया ना? जिस साल में कमाएंगे दैट इज प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम इज प्रीवियस ईयर, एंड द ईयर इन विच यू गिव द टैक्स इज नोन एज असेसमेंट ईयर। बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा पहले कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर असेसमेंट। फिर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन, इफ प्रीवियस ईयर इज 12 13, असेसमेंट ईयर आगे। चलिए अच्छा समझ गया ना कॉन्सेप्ट? आपसे कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछता है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किया उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, देखिए कैसे होगा। कहा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में, मतलब क्वेश्चन दिया एक लाइन में दे दिया, क्वेश्चन एबीसी ब्रेक करके देगा, एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में एक बार सीयू में कि कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स, ये क्वेश्चन पूछा। अब इसका क्या जवाब होगा? क्या प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको हम क्या बोले ईयर मतलब 12 महीना, तो क्या प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम का हो सकता है? तो आंसर है यस, याद रखिएगा आंसर क्या है, यस। कब होगा? जब बिजनेस नया स्टार्ट होगा। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स? आंसर यस, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स फॉर द न्यूली सेटअप बिजनेस। का ये लाइन याद रखिएगा, बुक में है मेरा, न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम होगा। सर न्यूली सेटअप बिजनेस बूझते पालम ना,
अरे न्यूली सेटअप बिजनेस माने की जो स्टार्ट किए हो आप, जैसे बात समझो अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए 15 अगस्त को तो पूरा 12 महीना का तो पीरियड नहीं होगा, 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो उस दिन से ना काउंटिंग होगा। तो जिस आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कैन प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स, आंसर विल बी यस इट कैन बी लेस देन 12 मंथ बट इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस। ये लाइन याद रखिएगा, बुक में है मेरा बट याद रखिएगा, क्लियर है गाइस। अगला कॉन्सेप्ट में आइए, उसको रीडिंग वर्ड टू वर्ड हम रीडिंग करके नहीं सुना रहे आपको इंग्लिश की तरह लिटरेचर की तरह, क्योंकि वो सब लिखा हुआ बुक में, आप घर में आके इस पढ़ना स्टडी मैट से रीडिंग मारना, जो लाइन ना समझ आए उसको मार्क कर लेना, तो लाइन टू लाइन रीडिंग करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, जो बोल रहे भाई लिखा होगा वहां पे। अच्छा तो तब से चिल्ला चिल्ला के आपको हम एक बात पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे कि जिस साल में कमाओगे ना उसके अगला साल में टैक्स दोगे, राइट गाइस, जिस साल में कमाएंगे उसके अगला साल में टैक्स देंगे। एक सेकंड, मुझे कस्टमर का फोन आ रहा, अभी तो क्लास करा रहे हैं, हम फोन करें आपको बाद में। देखिए आइए, हम क्या बता रहे थे यहां तक समझ गए ना बाबू, इसके बाद आप लाइन बाय लाइन जो टॉपिक है वो पढ़ाते जा रहे। अगला टॉपिक है कभी क्या, सुनिए सुनिए, क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो सकता है, ये थ्योरी में आता है कि गिव फाइव एग्जांपल व्हेन व्हेन द टैक्स इज व्हेन द इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज अर्नड, जिस साल में कमाया उसी से टैक्स ले लेगा। और तब से आप हम क्या पढ़ा रहे, कमाएंगे इस साल टैक्स देंगे इस साल, राइट, बट देर आर फ्यू सिचुएशन, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे जिस साल कमाओगे ना गवर्नमेंट बोलेगा उसी साल टैक्स दो। ऐसा सिचुएशन कौन कौन सा है, पांच तो याद कर लीजिएगा, पांचों आपको अभी बता देते हैं, आप याद कर लिया, थ्योरी में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि गिव फाइव एग्जांपल्स व्हेन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। तब से हम क्या पढ़ा रहे, कमाएंगे किसी साल टैक्स देंगे अगला साल, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पे जिस साल कमाओगे ना आप उसी साल टैक्स देना होगा। ऐसा सिचुएशन कौन सा है, आइए एक एक करके बताते हैं। पहला सिचुएशन, पांच तो सिचुएशन, पहला है गाइस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी फॉर शिपिंग बिजनेस, कोई ऐसा विदेशी आदमी जो शिपिंग बिजनेस में इंगेज है, इसको सरकार बोला बाबू तुम जिस साल कमाओगे ना उसी साल टैक्स दे देना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बोला गया तुम तो ठहरे परदेसी, नॉन रेसिडेंट मतलब परदेसी हो, बात समझे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो भाई टैक्स दे के चले जाओ, तुमको साथ नहीं निभाना होगा टैक्स। सरकार बोला कि देखिए नाम से देखिए ना, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट मतलब परदेसी हो तुम, दूसरे देश के हो तुम, इंडिया में रहते नहीं हो, इंडिया में शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, दो टैक्स दो, जिस साल कमाए हो उसी साल टैक्स दो, समझ गए। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम कब होगा, किसके केस में होगा बताइए, अगर वो आदमी नॉन रेसिडेंट है और किसमें इंगेज है, शिपिंग बिजनेस में, किसमें बोलिए, शिपिंग बिजनेस, तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या तो टैक्स दे के चले जाओ, जाओ भागो, निभाना नहीं होगा, पैसा तो मेरा, भाऊ बंटी का फोन आ, उसके बाद अगला मैं आइए, आपका मैसेज आ रहा है उल्लू का। उसके बाद नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उतना अगला है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर आप इंडिया छोड़ के लंबे समय के लिए जा रहे हो या कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहे हो लंबा समय के लिए, सरकार बोला सुनो ना टैक्स दे के जाओ ना प्लीज, तुम कब आओगे कब नहीं आओगे तुम्हारा भरोसा नहीं, टैक्स दे के जाओ प्लीज, जिस साल कमाए उसी साल टैक्स ले लेंगे। मतलब ये वो सिचुएशंस आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें जिस साल कमाओगे ना उसी साल टैक्स ले लेंगे। तब से क्या पढ़ा रहे थे, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लगेगा, अभी क्या पढ़ा रहे, देयर आर फाइव सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशन है, पांच टू एग्जांपल जहां पर जिस साल कमाओगे उसी का। पहला क्या है, तुम तो ठहरे परदेसी मतलब नॉन रेसिडेंट्स, इंडिया के नहीं हो जाओ टैक्स दे के जाओ, दूसरा इंडिया छोड़ के जा रहे हो ना जाओ टैक्स दे के जाओ, तो जब आपका किसी से ब्रेकअप होगा जितना खर्चा किया होगा सब वापस ले लेना भाई, वही बोला सरकार उसी से ले लें। हाँ तब उसी के लिए अप्लाई है, देखिए फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगला इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ पल के लिए कुछ लम्हा के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, सरकार को आपके ऊपर डाउट लग रहा है, गवर्नमेंट बोला पापा टैक्स दे दो पहले। तीसरा इनकम ऑफ अ पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रॉपर्टी ना दूसरा का नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं ये सोच के कि सरकार टैक्स नहीं लेगा, सरकार को आप बेवकूफ समझ के बैठे क्या, सरकार बोला उसी से टैक्स ले लेंगे। अगला है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट किए कंटिन्यू नहीं किए, सरकार बोला बाबू कोई बात नहीं कंटिन्यू नहीं किए वो टैक्स दो। ये पांच ऐसा सिचुएशन है, याद रखिएगा थ्योरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि पूछेगा आपसे व्हाट आर द राइट फाइव केसेस व्हेन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। पांच तो ऐसा केस बताइए जब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम है। पांच तो लिखा ही हुआ बुक में, द नोट्स के हिसाब से बनाए, हम लोग बुक से ही बुक बनाते, तो बुक के अंदर से ही बुक बनाया हुआ है, बस समझे ना। तो आपको पॉइंट यहां पर देखिए कॉमन पॉइंट है, बुक्स में भी आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट नंबर 18 पढ़ने का दरकार नहीं। अब आते हैं हेड्स ऑफ इनकम, किसमें आते हैं बाबू, स्टार्ट करें। और तीन चार टो कॉन्सेप्ट है, पांच मिनट का और टॉपिक हम लोग, यहां तक समझ गए सारे बच्चों, फिर आपको शॉर्ट में रिकैप करा देंगे, फिर अपना घर चले आना, फिर धीरे 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 चैप्टर, ये चैप्टर पहला चैप्टर जो है ना वो 10 मार्क्स का है, समझे ना। पहला चैप्टर के अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, फिर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब पढ़ना है। तो पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन मार्क्स कम है, 10 मार्क्स का ही चैप्टर है, बट ये जानना जरूरी है, एटलीस्ट ये वाला जो आज पढ़ा रहे ये जानना जरूरी। ये जान गए अब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये जानने के बाद हम लोग टैक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम सुनिए, इंडिया में 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए गए हैं, मतलब कोई भी आदमी जो पैसा कमाएगा, कहीं से भी कमा रहे हो आप, वो 5 कैटेगरी में बढ़ जाएगा। तो आपसे कोई भी पूछेगा हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम इन इंडिया, तो क्या बोलोगे, 5। ये पांचों तो आपको पता रहना ही चाहिए भाई, टैक्स की स्टूडेंट होकर के अगर ये 5 नाम आपको याद नहीं है तो हम लोग को जो हम लोग का जीवन है वो व्यर्थ है, हम लोग का जीवन जो है वो अधूरी कहानी की तरह हो जाएगी। तो बताइए इंसान का कितना हेड ऑफ इनकम होगा इंडिया में, कितना, 5। आपके हेड ऑफ इनकम को कितना बनाया गया, 5। बोलो ना, कम ऑन। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर नाम से पता चल रहा है नौकरी करके जो कमाओगे कहाँ चला जाएगा, सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बाड़ी वाला हो या बाड़ी वाली हो, बाड़ी वाला या बाड़ी वाली, बहुत कम सेंटर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल में पढ़ेंगे, सब चैप्टर है डिटेल में, 10 मार्क्स 15 मार्क्स का, यही आपका सिलेबस है, पांचों नाम ही आपका पांचों चैप्टर का नाम है। पीजी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम कोचिंग पढ़ा रहे, प्रोफेशन है, तो मेरा इनकम कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी। खुशी का दुकान है, उसका भी कमाई है, वो भी कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी। ये सब तो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, अभी शॉर्ट में बता रहे कौन सा इनकम का क्या मीनिंग है। कैपिटल गेन मतलब प्रॉपर्टी को बेच के, कैपिटल एसेट को बेच के, अभी कैपिटल एसेट क्या है, किसको बोलते हो, सब तो डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी रफली बता रहे आपको। 5 हेड ऑफ इनकम है वो नाम याद कर लीजिएगा, पांचों का शॉर्ट मीनिंग एकदम एक वर्ड में बता रहे। कैपिटल के मतलब कि आपको कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके जो कमाओगे। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इनकम चारों में से किसी कैटेगरी में ही जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम लोग कोचिंग का भाषा में बोलते हैं कचड़ा का डब्बा, कचड़ा का डब्बा। जो इनकम कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इतना पैसा कमा रहे आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पैसा आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो, चिंता में हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो। जो कैटेगरी कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जल्दी बताइए, अगर नौकरी करके कमाएगा तो कौन सा इनकम, सैलरी, बाड़ी वाला है तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा तो कैपिटल गेन, कैपिटल 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 कैपिटल, यस पूरा बोलिएगा, कैपिटल गेन पूरा बोलिएगा, आधा थोड़ा अजीब अजीब साउंड कर रहा है, कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस मैन है तो पीजीबीपी, पीजी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर सर मेरा इनकम इन चारों में से कोई कैटेगरी में नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा मेरा पैसा कहाँ से आ रहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ एग्जांपल दे देते, लॉटरी खेलते हो, जुएड़ी हो, नशेड़ी हो, जुआ खेलने वाले लोग सब कहाँ आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। खत्म नहीं हुआ अभी, बंद मत करिए जल्दी, 10 मिनट का टॉपिक और है, लेट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने में लेट हो जाता है, टॉपिक तो 1 घंटा का ही रहता है, स्टार्ट करते करते 15 हो जाता है, ऊपर से कुछ विद्वान बच्चे लोग आते हैं लेट से, वो 15 में स्टार्ट होगा 20 में आएंगे। जल्दी बताइए जल्दी, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम, पांचों का नाम बताइए, नौकरी करके कमाएंगे, बाड़ी वाला, बिजनेस मैन हो, पीजीबीपी, पीजी शॉर्ट में पीजी, पीजी पीजी पीपी नहीं, पीजीबीपी, पीपीबीपी कर रहे हो, पीजीबीपी, दैट इज नॉट पीजीपीपी। एंड द नेक्स्ट इज, क्या बात है, एंड जुआ खेलते हैं। अगला पॉइंट में आइए, हाँ डायरेक्ट कैजुअल इनकम में डायरेक्ट 30%। अगला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा टोटल सुनिए, इंडिया में ना बाबू, ये सुनिए, ये पांचों इनकम को जोड़ दीजिएगा ना, तो जो इनकम आता है उसको टैक्स का भाषा में बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों इनकम को जोड़ के जो इनकम आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन माइनस होता है तो आ जाता है टोटल इनकम। और याद रखिएगा टैक्स जो निकालते हैं ना हम लोग इंडिया में, वो टोटल इनकम पे निकालते हैं,
ये सब काम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में समझिए। पांचों इनकम को जोड़ के आता है जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन माइनस होगा तो आएगा टीआई। टीआई मतलब टोटल इनकम। और टैक्स किस पे निकलता है, जीटीआई पे या टीआई पे? याद रखिएगा, देखिए पढ़ते हैं लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एडजस्टमेंट को माइनस करके क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस करेंगे क्या आएगा, टोटल इनकम। और टैक्स किस पे निकलेगा, जीटीआई पे ना टीआई पे? याद रखिएगा नॉलेज के लिए, वो सब सिखाएंगे। अगला टॉपिक, हेड्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड में समझाते सुनिए। हेड्स ऑफ इनकम के बारे में इंडियन इनकम टैक्स में डिस्क्राइब्ड है, हाउ मेनी हेड्स, 5, बट सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मल्टीपल। दोनों में डिफरेंस क्या है, हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स लॉ में बनाया हुआ है 5 ठो, इंडिया के इनकम टैक्स में 5 ठो, और सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मल्टीपल। हम 5 जगह नौकरी करते हैं तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कितना हो गया, 5, लेकिन ये 5ों इनकम कहाँ जाएगा, सैलरी में, क्योंकि हम जॉब करते हैं इसलिए कहाँ जाएगा, सैलरी। मेरा 50 ठो बिजनेस है, 50 ठो बिजनेस, तो सोर्स ऑफ इनकम कितना हो गया, 50, लेकिन पूरा बिजनेस कहाँ जाएगा, पीजीबीपी। तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मल्टीपल बट द हेड्स ऑफ इनकम आर 5। सोर्स ऑफ इनकम नॉट डिस्क्राइब इन द लॉ, हेड्स ऑफ इनकम डिस्क्राइब इन द लॉ। सोर्स ऑफ इनकम का कोई सेक्शन वेक्शन नहीं है लॉ में, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन है, सेक्शन 14। यस नो गाइस, सब तो मेन बात बताई थी, घर में आके बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। उसके बाद जीटीआई, अभी तो पढ़ाई जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, क्या 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 पढ़ाई बताइए, 5ों इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बचपन में सुनते थे इंग्लिश, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब समझिए ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैजुअल इनकम मतलब क्या, कांटा लगा, क्या लगा, कांटा लगा, ट्यूशन से बाहर निकला, अचानक से आपका पाँव में कुछ टच किया, मतलब क्या है भाई, चूके देखिए 5 लाख रुपया का नोट अचानक से आ गया ना, जो इनकम अनएक्सपेक्टेड है, यू डोंट नो कहां से आ गया पैसा, इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। अनएक्सपेक्टेड, नॉन रिकरिंग, एक्सीडेंटल, अचानक से कमा लिया आपने, जुआ खेलते हो, अचानक से आपका लॉटरी नंबर आ गया, जीत गए, बहुत, जुआ खेलना गलत है, बस नहीं, लेकिन आपको पढ़ा रहे इसे बता रहे, ठीक है बच्चों। तो हॉर्स रेस, कैमल, लॉटरी, क्वीज, गेम शो, ये सब किसमें आता है, कैजुअल इनकम। किसमें आता है बाबू, कैजुअल इनकम। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट गाइस, अब आपसे हम पूछते हैं, पूरा बताइए, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर, अपना घर जाना भाई, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सुनो पूरा टॉपिक, 5 मिनट में पूछते बताना, कमेंट करके पढ़ दो, ऑनलाइन वालों कमेंट करके पढ़ दो, पगला कर दो कमेंट करके। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं, जल्दी बताइए, कोई देखना नहीं मोबाइल में, रेडी, अभी जितना पढ़े सब पूछेंगे एक वर्ड में। अब बताइए, स्टार्टिंग हम लोगों ने किया पर्सन से, पर्सन में कितना कैटेगरी है, अच्छा बताइए बर्दवान यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्लियर है गाइस। एक बार घर में अभी पढ़ा है ना, अभी घर में आकर रीडिंग मार लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पानी हो जाएगा, अब अगला दिन अपना क्लास में आके बैठ जाइएगा, खाली एक बार रीडिंग मारना है बाबू, प्लीज गिव अप मत कर दीजिए कि हाँ छोड़ दे रहे, रुक अभी करेगो, बैग बंद कर दिए, वाह रुको 2 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, जो आदमी टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वाओ, द पर्सन हु गिव द टैक्स इज नोन एज एसएससी। अच्छा, जिस साल का टैक्स देते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। जिस साल में देते हो, क्या प्रीवियस ईयर और एसेसमेंट ईयर सेम हो सकता है, हो सकता है फ्यू केसेस में, वो केसेस आपको बताया, और क्या 12 महीने से कम का हो सकता है, हो सकता है अगर आपका न्यू बिजनेस है तो। और बताइए हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, सॉरी 5, ए बाबा एडा क्यों, एडा कौन इंग्लिश, 5 माने क्यों हो लोग, 5 क्या बाबू 5, कोई हिंदी बोला कोई इंग्लिश बोला, सुनने में आ रहा 5, नॉट 5, दैट इज 5। अच्छा सुनो ना, नौकरी करके कमाते कहाँ जाएगा, बाड़ी वाला है, बिजनेस है, पीजीबीपी, प्रॉपर्टी बेच दिए, जुआ खेलते हैं, समझ गया ना। और उसके बताइए, सारा 5ों इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से डिडक्शन माइनस होगा टोटल इनकम। डिडक्शन क्या होता है, छूट को बोलते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ाएंगे। और टैक्स किस पे निकलता है, जीटीआई की टीआई पे, थैंक यू गाइस।